बाप और उसके रिश्तेदारों ने उसको पढ़ा लिखा के वकील बनाना चाहा था, लेकिन नटवर लाल को तो कुछ और ही बनना था। नटवर लाल ने डिग्री तो हासिल की निर्दोषों को बचाने के लिए, लेकिन उसने खुद ही कानून को तोड़ मरोड़ के रख दिया। नटवर लाल ने कभी भी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, उसने क्राइम को एक आर्ट की तरह लिया। नटवर लाल के तीन पसंदीदा शिकार होते थे, रेलवे, सोने चांदी के व्यापारी और घड़ी के व्यापारी। उसकी ठगी की ये स्टाइल थी कि लोग उसके जाल में इस कदर फंस जाते थे कि उसको वो अपना सब कुछ खुद ही दे देते थे और उनको इस बात का पता भी नहीं चलता था कि वो ठगे जा चुके हैं। नटवरलाल को खुद पर और अपनी ठगी पर इतना भरोसा था कि उसने ये भी कहा कि अगर भारत की सरकार उसको मौका दे तो वो भारत के ऊपर से विदेशी कर्ज भी उतार सकता है। को बहुरूपियों का बादशाह भी कहा जाता है। 1950s और 60s में नटवरलाल पूरे देश में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। ज्वेलर्स को लूटना हो, बैंकर्स को लूटना हो, व्यापारियों को लूटना हो, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां नटवरलाल ने अपने कदम न रखे। नटवरलाल हर एक बारीकी पे नजर डालता था और वो ऐसी कोई भी छोटी सी छोटी चीज छोड़ना नहीं चाहता था जिससे उसका प्लान फेल हो जाए। लोगों को ठगने के लिए वो पूरी तरह से तैयारी करता था, अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे दिखाना हो जिससे उसके शिकार को उस पे पूरा भरोसा हो जाए। को ये जानकर हैरत होगी कि नटवर लाल खड़े खड़े ताजमहल को बेच दिया, और वो भी एक बार नहीं, तीन तीन बार।